नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का जो वीडियो है वो मनी प्लांट्स के ऊपर है। गर्मी बहुत बढ़ गई है और घर के अंदर भी हम ऐसे प्लांट रखना चाहते हैं जिनसे कि देख के अच्छा भी लगे, रिफ्रेशिंग सा महसूस हो और इजी टू ग्रो, कि गर्मी में भी वो अच्छे से चल जाए। और बिल्कुल दोस्तों, मनी प्लांट है ही शेड लविंग प्लांट्स, आप इसको किसी भी चीज में लगा सकते हो। और इसी तरीके से दोस्तों, आपके घर के अंदर भी जो पौधे रखे हुए हैं वो बस आपकी थोड़ी सी केयर मांगते हैं गर्मी में, और कुछ भी नहीं। और इस तरीके से दोस्तों, जो मनी प्लांट लगाते हैं ना हम छोटी छोटी चीजों में, वो तो बड़ी आसानी से हम लगा देते हैं ना। अपना सोइल भर देंगे उसमें, या फिर कोकोपीट, या फिर जो भी आपके पास मटेरियल हो लाइट सा। तो इनको लगाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, कटिंग से इनको आप आराम से लगा सकते हैं। लेकिन दिक्कत उसमें आती है जब हमारे पास सुंदर सुंदर बॉटल होती हैं कांच की, उनको हम यूज करना चाहते हैं, लेकिन कईयों का जो आगे का सरफेस होता है जिसमें हम कटिंग को घुसाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई बार तो वो कटिंग बहुत ज्यादा अंदर तक चली जाती है, और कई बार इवनली मतलब ऊपर से वो दिखती नहीं है। तो उसके लिए बस आपने कुछ नहीं करना, जैसी भी आपकी बॉटल हो, सुंदर सुंदर बॉटल्स होती हैं और उसमें अगर मनी प्लांट लगे हो तो अच्छे भी लगते हैं, और इंडोर भी अब हम रखते हैं इन चीजों को लिविंग रूम वगैरह में, तो अच्छे भी लगते हैं और बड़ा रिफ्रेशिंग सा भी लुक आता है घर का। तो इस बोतल का भी ढक्कन टूट गया था, मैं भी इसको यूज करने जा रही थी मनी प्लांट लगाने के लिए, क्योंकि अब इसका कुछ यूज तो हो नहीं सकता, तो फेंकने का भी मन नहीं करता कांच की बोतल्स को। तो बस मैं ये खुद ही कर रही थी, फिर मुझे लगा मुझे इस पे वीडियो बना देना चाहिए ताकि आपके साथ भी ये समस्या ना आए। कई बार देखो इसका जो मुंह है ना आगे का, ये देखो ऊपर का, ये अच्छा ब्रॉड है, तो इसमें क्या होगा, कटिंग अंदर तक चली जाएगी, कोई अंदर जाएगी कोई ऊपर रह जाएगी, और नीचे के पत्ते भी हम देख के हटाएंगे कितने हटाने चाहिए। लेकिन इस तरीके से ना आपकी जो कटिंग है ना वो ऊपर की तरफ बिल्कुल एक जैसी दिखेगी, मतलब जितना आपने लेवल रखना है। तो चलो शुरू करते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना आपने। अगर स्पंज का आपके पास टुकड़ा पड़ा है तो ठीक है, और कई बार दोस्तों स्पंज का होता भी नहीं है, कहने की बात होती है, लेकिन फॉइल पेपर तो सबके घर में मिल ही जाता है। तो बस उस बोतल का मुंह आपने इस तरह से फॉइल पेपर से पानी डाल के कवर कर देना है, और फिर जो आपकी कटिंग है वो इसमें लगाते जाना है। तो जितना मर्जी आप इसको भर दो, नीचे तो कटिंग पानी में रहनी रहनी है। और इसको दोस्तों पानी बदलना भी बड़ा आसान होता है, ऊपर से ये कैप सी हटाई और अपना पानी चेंज किया, फिर से यूं की यूं रख दी। तो इससे क्या होता है कि हमारी कटिंग जितना लेवल हमें रखना है ना, सब कटिंग का मतलब एक ये है कि इवनली दिखाई देंगी सारी की सारी कटिंग। ये नहीं है कोई नीचे जा रही है, कोई ऊपर आ रही है, कोई ब्रांच इधर उधर निकल रही है, तो देखने में सुंदर लगती है ये। और जितनी अभी मेरे पास है मैं लगा देती हूँ, फिर मैं इसको अच्छे से और फिल कर दूंगी। बस आप लगाना देख लो, ऐसे फॉइल पेपर में ना आपने ऐसे कटिंग को घुसा देना है, और इसी हिसाब से अब आपने दूसरी भी लगानी है कि कितनी ऊंचाई या ऊंचाई आपने इस कटिंग की रखनी है जो कि ऊपर देखने में अच्छी लगे। ये देखो ऐसे ना, क्योंकि कोई कटिंग हम लंबी लाएंगे कोई छोटी लाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा, कोई भी कटिंग ऊपर नीचे ज्यादा जा नहीं पाएगी, जितना लेवल आपने ऊपर की तरफ रखना है ना उतना ही रहेगा बस इसका। अभी देखो अंदर तक नहीं जाएगी ना, जितना आप घुसाओगे ना बस ये उतनी ही जाएगी। और इसी तरीके से आप इस तरह की बॉटल्स में कितनी भी कटिंग लगा सकते हो ताकि वो सुंदर लगे। तो मैं एक दो कटिंग और देख लेती हूँ अगर कोई अच्छी सी मिलती है तो, क्योंकि गर्मी में तो भाई मनी प्लांट्स के बुरे हाल हुए हुए हैं, जो बाहर भी लगे हुए हैं उनको भी मैंने अंदर उठा के रख लिया है। और इस तरीके से अगर आप अपने मनी प्लांट्स लगाओगे तो देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और भी अगर आप लगाना चाहो तो इसमें लगा सकते हो फॉइल पेपर का यूज करके। तो बस उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप भी इसी तरीके से गार्डनिंग का काम कर रहे होगे, क्योंकि सुबह उठती बालकनी उतनी झुका जाती है कि बस शाम को ही काम होता है, और दिन में भी जो मन करता है गार्डनिंग करने का आपको भी अपने अंदर या किस तरह से बॉटल्स में छोटी छोटी चीजों में ये चीजें उगा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।